स्वागत है आप सभी का बुकैब कॉर्नर पर, जहां पर हम डेली डिस्कस करते हैं बुकैबलरीज के एक प्रैक्टिस सेशन को। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बुकैबलरीज बन सकती हैं उन बुकैबलरीज को भी हम इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ फ्लैबरगास्टेड। हमें फ्लैबरगास्टेड का सिनोनियम फाइंड करना है। देखिए फ्लैबरगास्टेड का मतलब आपका क्या होता है, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड होता है, नाइट होता है, और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, आश्चर्यचकित हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो किसी चीज को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो उसे क्या बोलेंगे, फ्लैबरगास्टेड बोलेंगे। फ्लैबरगास्टेड आपका क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, भौचक्का हो गया, भौचक्का हो गया, स्तंभित आपका क्या कहलाता है, आपका फ्लैबरगास्टेड कहलाता है। इसके देखिए फ्लैबरगास्टेड के हमें सिनोनिम्स दे रखे हैं। देखिए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आपका, स्टंड हो जाएगा, एस्ट्रोनाइट हो जाएगा, एस्टाउंड हो जाएगा, सरप्राइज्ड हो जाएगा, अलार्म्ड हो जाएगा, स्टूफाइड हो जाएगा, डमस्टक हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, स्टोनिड हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स हैं, आप चाहें तो अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और आपके इस ऑप्शन देख लेते हैं, हमें ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए स्केयर्ड दे रखा है, स्केयर्ड आपका डरा हुआ हो जाएगा। इम्बैलेंस्ड आपका शर्मिंदा हो जाएगा, जो किसी चीज़ को लेकर शर्मिंदा हो उसे क्या बोलेंगे, इम्बैलेंस्ड बोलेंगे। डम फाउंडेड, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। डम फाउंडेड का मतलब क्या होता है, हक्का वक्का रह जाना किसी चीज़ को देखकर, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और अनएबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ सरप्राइज्ड है वो किसी चीज़ को देखकर, या बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया जिसके कारण वो बोल नहीं पा रहा हो, हक्का वक्का हो गया हो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा फ्लैबरगास्टेड का हमें सिनोनिम फाइंड करना था, सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, डम फाउंडेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमिलेटेड आपका क्या कहलाता है, अपमान कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ डिल्यूजन। डिल्यूजन का हमें एंटोनियम फाइंड करना है। देखिए डिल्यूजन का मतलब क्या होता है आपका, भ्रम होता है, भ्रम, या आप क्या बोल सकते हो, ए फॉल्स बिलीफ आपका क्या हो जाएगा, डिल्यूजन हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए सिनोनिम्स क्या क्या दे रखे हैं हमें, इल्यूजन दे रखा है, मिसकंसेप्शन दे रखा है, डिसेप्शन दे रखा है, फालसी दे रखा है, कंजूरेशन दे रखा है, और आपका हेलुसिनेशन आपका दे रखा है। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके, डिल्यूजन के आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर डिल्यूजन का एंटोनियम फाइंड करना है। देखिए एंटोनियम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, रियलिटी दे रखी है, रियलिटी आपकी वास्तविकता हो गई, आपकी क्या हो गई, वास्तविकता हो गई। एक्सेप्टेंस आपकी क्या हो गई, आपकी स्वीकृति हो गई, आप इसे बोल सकते हो स्वीकार करना किसी चीज़ की क्रिया, आपकी क्या हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई। प्रिसीजन आपका क्या कहलाती है, आपकी स्पष्टता कहलाती है। प्रिसीजन मतलब स्पष्टता या शुद्धता आपकी क्या कहलाती है, प्रिसीजन कहलाता है। प्रिसीजन मतलब कि द क्वालिटी ऑफ बींग क्लियर और एग्जैक्ट आपकी क्या कहलाती है, प्रिसीजन कहलाती है। फिक्शन, देखिए फिक्शन आपका क्या कहलाता है, आपकी कल्पना कहलाती है। फिक्शन मतलब कि कल्पना या परिकल्पना होती है, जैसे आपने सुने आपको फिक्शन स्टोरीज जो होती हैं कल्पना पर आधारित कहानियों को क्या कहते हैं आप, फिक्शन स्टोरीज कहते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें एंटोनियम फाइंड करना था किसका, डिल्यूजन का। डिल्यूजन मतलब भ्रम होता है और रियलिटी मतलब वास्तविकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों के समूह को क्या कहा जाता है, लड़कियों के समूह को कहा जाता है बेबी। बेबी आपका क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स कहलाता है। कोवे आपका क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पक्षियों के जो आपके समूह को क्या कहलाते हैं आपका, कोवे कहलाता है आपका। नेस्ट हो गया, ट्रूफ हो गया, ट्रूफ आपकी मंडली होती है, मंडली या दल, मंडली किसी चीज़ की हो सकती है, उसमें आर्टिस्ट हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स, डांसर और क्या हो सकते हैं आपके, एक्टर्स हो सकते हैं, आपके एक्रोबेट्स हो सकते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं आपका, ट्रूफ बोला जाता है। ट्रूफ क्या हो गया आपका, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट डांसर एक्टर्स एंड एक्रोबेट्स ETC आपका क्या कहलाता है, ट्रूफ, या मंडली या दल कहलाता है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके कोटरी आपकी क्या कहलाती है, आपकी गुट कहलाता है। कोटरी, गुट या गोष्ठी। देखिए यहाँ पे छोटे जो लोग मतलब
छोटा एक दल होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है विद द सेम माइंडसेट एंड कॉमन इंटरेस्ट, आपका क्या कहलाता है, गुट या गोष्ठी कहलाती है। ऐसा ग्रुप जिसमें जिसमें बहुत कम लोग हों, 4-5 ही लोग हों, और उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो विचारधारा है, सोचने की समझने की, जो उनकी पसंद नापसंद है, वो सब क्या हो, समान हो, ऐसा ग्रुप आपका क्या कहलाता है, कोटरी कहलाता है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों के समूह को क्या कहलाते हैं, बेबी कहलाते हैं। पक्षियों का ग्रुप आपका कोवी कहलाता है। आपकी मंडली क्या हो गई, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट डांसर एक्टर्स एक्रोवेट्स आपकी क्या कहलाती है, आपकी ट्रूफ कहलाती है। कोटरी आपकी क्या हो गई, गोष्ठी हो गई। गोष्ठी यहाँ पर अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं आपकी, अगर आप लिखना चाहो ए ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल विद विद सेम माइंडसेट और कॉमन इंटरेस्ट, आपका क्या हो जाएगा, आपका कोटरी हो जाएगा। तो ये आपकी इंग्लिश मीनिंग हुई, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द ईडियम्स, हमें ईडियम फाइंड करना है किसका, हैव अ चिप ऑन शोल्डर, हमें ईडियम फाइंड करना है किसका, हैव अ चिप ऑन शोल्डर। देखिए हैव अ चिप ऑन शोल्डर का मतलब होता है उस चीज़ के बारे में गुस्सा करना या अनिच्छा प्रकट करना या आपका गुस्सा दिखाना उस चीज़ को लेकर जो बहुत पहले हो चुकी है, उसका क्या मीनिंग होता है, आपका हैव अ चिप ऑन शोल्डर होता है। देखो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, शो अ गर्ज, गर्ज मतलब आपको होता है अनिच्छा या गुस्सा, अनिच्छा प्रकट करना आपकी क्या कहलाती है, गर्ज कहलाती है, गर्ज या फिर आपका क्या कहते हैं, द्वेष आप बोल सकते हो, द्वेष दिखाना आपका क्या होता है, आपका शो अ गर्ज आपका यहाँ पर पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका हैव अ चिप ऑन शोल्डर का मतलब भी क्या होता है, उस चीज़ के बारे में गुस्सा या अनिच्छा प्रकट करना होता है जो बहुत पहले हो चुकी हो, और यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखियो लेकिन बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, बी ऑप्शन हमें दे रखा फील फिजिकली टॉल, यहाँ पर टॉल है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सफ़र एक सफ़र एन एलिमेंट, एलिमेंट आपकी बीमारी होती है, बीमारी से सफ़र करना आपका क्या कहलाता है, सफ़र एन एलिमेंट आपका क्या हो गया, बीमारी से सफ़र करना आपका क्या हो गया, सफ़र एन एलिमेंट हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। सफ़र कैरी अ बर्डन, बर्डन मतलब बोझ उठाना, बोझ या बर्डन आपका हो गया, बोझ हो गया, बोझ को कैरी करना, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप इसका हैव अ चिप ऑन शोल्डर की अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, देखिए आपका एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ, ही हैज़ अ चिप ऑन हिज on shoulder for not being born into rich family. देखिए he has a chip on his shoulder for not being born into रिच फैमिली, उसे इस बात का गुस्सा है, इस बात वो आपकी अनिच्छा प्रकट करता है कि वो एक अमीर घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, वो ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द मिस स्प्लेट वर्ड, यहाँ पर हमें इनकरेक्ट जो हमारी जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है, उसे फाइंड करना है कौन सी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है। देखते हैं कौन कौन सी स्पेलिंग हमें दे रखी है, ऑप्शन दे रखे हैं, एक्यूमुलेट आपकी, एक्यूमुलेट आपका मतलब क्या होता है, आपका एक्यूमुलेट मतलब आपका होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, असेंबल करना, आपका क्या कहलाता है, आपका एक्यूमुलेट कहलाता है। एक्यूमुलेट क्या हो गया, आपका इकट्ठा करना हो गया, आपका क्या कहलाता है, इकट्ठा करना। चैलेंज आपका चुनौती हो गया, बिगनिंग आपकी आरंभ हो गया। टॉलेंट देखिए, टॉलेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा स्पेलिंग यहाँ पर गलत दे रखी है। देखिए टॉलेंट का मतलब, टॉलेंट की स्पेलिंग क्या होती है, टॉलरेंट होता है, टॉलेंट, टॉलेंट मतलब आपकी क्या होता है, सहनशील होता है, सहनशील, सहनशील या सहनीय जिसे सहा जा सकता हो, आपका क्या कहलाता है, टॉलरेंट कहलाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, हमें मिस स्लेप्टबल या इनकरेक्ट स्पेलिंग हमें फाइंड करनी थी। देखिए यहाँ पर ई दे रखा है, लेकिन अब वास्तव में क्या होता है, ए होता है, टॉलरेंट होता है आपका यहाँ पर। आई होप गाइस आपको ये वोकैबुलरीज का प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। डेली वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।